आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आजाद सिपाही का एक और बड़ा खुलासा, राष्ट्र विरोधी शक्तियों का दावा, असली सरकार हम हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हमारे अधीन, ब्रिटेन की महारानी ने हमें दिया है पूरे देश का पट्टा, हमने दिया है भारत सरकार को 99 साल की लीज पर, 2021 में खत्म होगी लीज, फिर देश होगा हमारा और हम सबके खाते में होंगे 4 करोड़। अब तक हम कहीं कहीं ईसाई मिशनरियों की सभा में यही सुन रहे थे कि पैरों से लाचार दिव्यांग दौड़ने लगता है, दृष्टिहीन देखने लगता है, कमजोर दहाड़ने लगता है, मूक बोलने लगता है, बहरा सुनने लगता है। लेकिन अब ये बातें गौण हो चली है। अब कुछ धार्मिक संगठनों और राष्ट्र विरोधी शक्तियों ने खूंटी में बिना सिर पैर की कुछ ऐसी बातें शुरू कर दी हैं जिसे सुनकर आप भी चकरा जाएंगे। इन बातों को सुनकर आपको लगने लगेगा कि आज भी खूंटी और आसपास में ब्रिटिश का शासन है, हम आज भी उनके गुलाम हैं। लोकतंत्र की गला घोटने वाली कुछ राष्ट्रद्रोही शक्तियां भोले भाले ग्रामीणों को बरगला रही हैं, झूठ और फरेब के सहारे उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि 3 साल यानी 2021 में पूरे भारत पर उनका कब्जा हो जाएगा। और इसी के साथ ही एक विशेष धर्म और तंत्र को मानने वाले लोगों के खाते में 4 करोड़ रुपए आ जाएंगे। लोकतंत्र के नाम पर यहाँ देश विरोधी बातें फैलाई जा रही हैं। ये वही शक्तियां हैं जो झारखंड को तो अपना मानती हैं, लेकिन इस धरती के भगवान बिरसा मुंडा को वे नहीं मानती। इनके लिए बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि और जयंती कोई मायने नहीं रखती। उनके किसी भी संस्थान में भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर नहीं दिखेगी। ये वही लोग हैं जो भगवान बिरसा की तस्वीर को फाड़ते हैं या किसी के फाड़ने पर चुप्पी साध जाते हैं, लेकिन जब त्रिपुरा में लेनिन की प्रतिमा टूटती है तो हंगामा मचाने लगते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि खूंटी में विकास की किरण नहीं पहुंची है, इसी कारण वहां पत्थलगड़ी हो रही है, लेकिन जब खूंटी के विकास के प्रतीक स्कूल में जाने से ये शक्तियां बच्चों को रोक देती हैं तो वे चुप्पी साध जाते हैं। ये वही शक्तियां हैं जिन्होंने झारखंड अलग होने से पहले लालू प्रसाद के शासनकाल में उली हाथों में डीएवी स्कूल की स्थापना नहीं होने दी, लेकिन एक धर्म विशेष की अट्टालिकाएं हर रोज खड़ी हो रही हैं। वही लोग स्कूल बंद करा रहे हैं, सड़कें नहीं बनने दे रहे हैं, कहते हैं सरकार का राशन मत लो, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। कोई ये नहीं कहता कि फिर यहाँ विकास कैसे होगा। राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ झारखंड के आधा दर्जन जिलों समेत देश के कई राज्यों में नफरत का जहर खुलेआम फैला रही हैं। वे भोले भाले आदिवासियों को बरगला रही हैं और इसका विरोध करने वालों को बाहरी बताया जा रहा है। ये राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ दावा करती हैं कि भारत उनका है और वे ही असली सरकार हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उनके अधीन हैं। कुछ इसी तरह की बातों के सहारे आदिवासियों को बरगलाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि अगले 3 साल में उन सभी के खाते में 4 करोड़ रुपए आ जाएंगे। कहां से आएंगे ये पैसे? इसका खुलासा गुजरात के शिक्षक और जनजातीय मामलों के विशेषज्ञ तथा समाज सेवी सुधीर भाई वासवानी, सांसद कड़िया मुंडा और खूंटी के एसटीओ प्रणब कुमार पाल के समक्ष टेलीफोनिक बातचीत में किया है। सुधीर भाई पासवा ने सांसद कड़िया मुंडा एवं एसटीओ को बताया कि इस तरह के कट्टरपंथी तत्वों के सूत्र आजादी से पहले गुजरात से पनपे हैं। गुजरात के सूरत जिले के कठसवन गांव के व्यक्ति के सी डी राडा को इसका जन्मदाता माना जाता है। वो एक
वकील था और उसने ही इस विचारधारा की शुरुआत की थी। ये एक पंथ की तरह काम करता था। वहाँ इस पंथ को सतपथी कहा जाता है। पहले इसका उद्देश्य था ईसाई धर्म को आगे बढ़ाना, पर आज़ादी के बाद इसने राष्ट्र विरोधी का रूप ले लिया। इन राष्ट्र विरोधी शक्तियों का दावा है कि अंग्रेजों की ओर से ब्रिटेन की महारानी ने उस व्यक्ति को पूरे देश का पट्टा सौंप दिया था। इनका कहना है कि इसके कागजात आज भी उनके पास हैं। उन्होंने पूरे देश को 99 साल की लीज पर भारत सरकार को दिया है और इस लीज की अवधि 2021 में पूरी होने वाली है। इसके बाद पूरा देश उनका होगा, शासन भी उनका होगा। बासुआ का ये भी कहना है कि चूंकि ये तत्व पूरे देश का अपने को मालिक मानते हैं, इसलिए यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को वे अपने अधीन मानते हैं। बासुआ बताते हैं कि आज़ादी के बाद जब गुजरात में ऐसे तत्वों ने अपनी विचारधाराओं को फैलाने की कोशिश की, तब FIR भी हुआ, कानूनी मुकदमे भी हुए। सख्त कानून के कारण ये वहाँ ज्यादा नहीं पनप सके। आज गुजरात में इनकी संख्या नगण्य है, पर ये झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के आदिवासी इलाकों में अपनी विचारधाराओं को हवा देने में जुटे हैं। झारखंड के ही कुछ स्थानीय लोग इनके लिए बतौर एजेंट का काम कर रहे हैं, जिनका गुजरात आना जाना लगा रहता है। ये राष्ट्र विरोधी ताकतें खुद को एंटी क्राइस्ट बताती हैं। ये स्वयं को ऐसी कहती हैं। इनका कहना है कि वे धरती पर ईसा के पहले से मौजूद हैं। इसी वजह से इनके द्वारा की गई पत्थलगड़ी में ऐसा लिखा जाता है। इतना ही नहीं, ये कहते हैं कि धर्म से पहले वे हैं, बाकी लोग बाद में धरती पर आए। पत्थलगड़ी के लिए वे जिस भी गांव में स्थानीय एजेंटों के माध्यम से जाते हैं, वहां ब्रिटेन की महारानी द्वारा दिए गए तथा कथित कागजात को दिखाकर भोले भाले आदिवासियों को भड़काते हैं, अपने धर्म का महत्व बताते हैं, आदिवासियों के बच्चों को सरकारी शिक्षा दिलाने से रोकते हैं। इसके पीछे उनका मकसद है कि आदिवासियों के बच्चे उनकी ही पढ़ाई पढ़ें और उनकी विचारधारा पर चलें। सुधीर भाई बासवा बताते हैं कि गुजरात में सख्त कानून और विकास के कारण इनकी संख्या नगण्य हो गई है, पर दूसरे राज्यों में जो एजेंट इन्होंने बना रखे हैं, उनके माध्यम से अराजकता फैला रहे हैं। एजेंटों का अक्सर गुजरात आना जाना होता है। वे अपने साथ कुछ लोग भी लाते हैं, जिनके दिलों में देश विरोधी बातें कूट कूट कर भरी जाती हैं और फिर उन्हें इसे पढ़ाने के लिए वापस भेज दिया जाता है। बासुआ बताते हैं कि खुद को देश का मालिक समझते हैं। यही कारण है कि ये किसी भी तरह के बिल या बैंकों के कर्ज का भुगतान नहीं करते। ये कहते हैं कि हम देश के मालिक हैं, सब पैसा हमारा है, सारी संपत्ति हमारी है, तो हम बिल क्यों भुगतान करें, सरकारी कर्ज क्यों वापस करें। जिन भी इलाकों में इनके नेतृत्व में पत्थलगड़ी की जा रही है, वहाँ पत्थरों पर उनकी विचारधारा से संबंधित सारी बातें लिखी जाती हैं। इसमें संविधान की गलत ढंग से व्याख्या भी करते हैं। पत्थलगड़ी में एंटी क्राइस्ट का जिक्र भी होता है, साथ ही खुद को देश का मालिक बताते हैं। ये भी कहते हैं कि 3 साल में सबके खाते में 4-4 करोड़ आ जाएंगे, मतलब जब 2021 में लीज की अवधि समाप्त हो जाएगी और देश इनका हो जाएगा, तो ये सबके खाते में पैसे डाल देंगे। पत्थलगड़ी में हर जगह वे कस्टमरी लॉ और खुदरत के कानून का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि खुदरत ने स्वयं उनके लिए कानून बनाया है, जिसे वे मानते हैं। इसे वे कस्टमरी लॉ भी कहते हैं। लोगों को भड़काने के लिए वे भोले भाले आदिवासियों की भावनाओं से खेलते हैं। कहते हैं कि बाहरी लोगों को गांव में घुसने मत दो, बाहरी लोग तुम्हारी जमीन छीन लेंगे। यदि विकास के कार्य हुए तो ये सरकार जमीन ले लेगी। जमीन छीनने के लिए ही सरकारी योजनाएं हैं, इसलिए ये पुलिस प्रशासन और कानून का विरोध भी करते हैं। वासवा बताते हैं कि वे तत्व शेड्यूल एरिया को टारगेट कर रहे हैं, हालांकि अन्य राज्यों में भी
लिए फैल रहे हैं, लेकिन शेड्यूल एरिया इनके लिए सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि शेड्यूल एरिया में आदिवासियों के लिए भारतीय संविधान में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, इसी का फायदा वे उठाते हैं। इन प्रावधानों की गलत व्याख्या कर संविधान विरोधी बातें लोगों के दिलों में भर रहे हैं। वासवा के मुताबिक ये पूरे देश में अपना इलाका बनाना चाहते हैं, जहां कोई बाहरी ना हो और सिर्फ इनका राज चले। उनका कहना है कि आदिवासी समाज हिंदू नहीं है, इसलिए वे सबसे अधिक हिंदुओं का विरोध करते हैं। उन्हें लगता है कि आदिवासी समाज कभी भी हिंदुत्व की ओर झुक सकता है। सुधीर भाई वासवा ने सांसद कड़िया मुंडा से बातचीत में जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक नक्सल कनेक्शन से भी इनका रास्ता सुगम हो रहा है। ये नक्सलियों को अफीम की खेती के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं और नक्सलियों का खौफ इनके साम्राज्य को बढ़ाने में मदद करता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। इसमें अफीम माफिया सोने पर सुहागा बने हुए हैं, जो लोकल फंडिंग का सबसे बेहतर जरिया साबित हो रहे हैं। गुजरात के सुधीर भाई वासवा और उनकी टीम फिलहाल पूरे मामले पर काम कर रही है। वो और उनकी टीम इससे संबंधित रिपोर्ट भी तैयार कर रही है। वो लगातार रांची और खूंटी समेत अन्य जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि जल्द ही वो पूरी रिपोर्ट तैयार कर भेजेंगे। सुधीर भाई वासवा ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक खूंटी, गुमला, सिमडेगा, चाईबासा और कुछ अन्य जिले राष्ट्र विरोधी तत्वों के विशेष निशाने पर हैं। वे हर हाल में खूंटी को अपना गढ़ बनाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों और अंग्रेजों के खिलाफ खूंटी से ही बिगुल फूंका था, इसलिए वे यहां अपना साम्राज्य स्थापित कर उसका बदला लेना चाहते हैं। उनके मन में यह भय भी समाया हुआ है कि अगर खूंटी को उन्होंने जल्द अपना गढ़ नहीं बनाया तो यहां से फिर उनके खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाएगा। यही कारण है कि खूंटी में पत्थलगड़ी सबसे ज्यादा हो रही है और इसमें मुंडा लोगों को ही वे टारगेट कर रहे हैं। अब तक की खबर में बस इतना ही। और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।